एशिया प्रशांत क्षेत्र को लंबे समय से वृद्धिपरक नीतियों, विदेशी निवेश और प्रचुर श्रम शक्ति का लाभ मिलता रहा है। लाखों लोगों को गरीबी से छुटकारा दिलाया गया है, किंतु इन सब की कीमत चुकानी पड़ी है, खासकर मानवाधिकारों के लिए। कुछ देशों में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ व्यावसायिक गतिविधियों में मानवाधिकारों का बहुत उल्लंघन हुआ है। कुछ समय पहले तक व्यावसायिक गतिविधियों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के निदान की जिम्मेदारी को लेकर जबरदस्त बहस होती रही, पर 2011 में सब बदल गया जब व्यवसाय और मानवाधिकारों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाए गए, जिनका मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मत अनुमोदन किया। मार्गदर्शक सिद्धांतों से व्यावसायिक जगत में मानवाधिकार मानकों के समाधान और सुधार का ढांचा मिला है। इनमें व्यावसायिक गतिविधियों में मानवाधिकार संरक्षण का शासन का कर्तव्य, मानवाधिकारों का सम्मान करने का व्यवसाय का दायित्व एवं उल्लंघन होने पर समाधान का दोनों का दायित्व तय किया गया है। मार्गदर्शक सिद्धांतों से व्यवसायों को एक रास्ता मिला है 2030 एजेंडा और उसके 17 सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देने का। उदाहरण के लिए कार्यस्थल पर भेदभाव निरोधी नीतियां, जिनसे SDG 5 के समर्थन में जेंडर बराबरी बढ़े और महिलाएं सशक्त हों, जबरन मजदूरी मिटाने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी और समीक्षा हो, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसायों में अच्छे काम के अच्छे अवसर पैदा होते हैं, और SDG 8 के समर्थन में आर्थिक वृद्धि को सहारा मिलता है, व्यवसाय अधिकारों के संरक्षण में शिकायत निपटान तंत्र और शिकायत व्यवस्था स्थापित करके विवादों को संकट एवं संघर्ष का रूप नहीं लेने देते और SDG 16 में योगदान करते हैं। UNDP संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांतों के संवर्धन हेतु सरकारों को तकनीकी सलाह देता है, व्यवसायों के लिए नीतियां, समुचित आकलन प्रक्रियाएं एवं समाधान विकसित करता है और प्रबुद्ध सामाजिक संगठनों तथा मानवाधिकार संरक्षकों को जवाबदेही बढ़ाने के लिए समर्थन देता है। UNDP व्यवसायों और मानवाधिकारों दोनों को शक्ति देकर सतत भविष्य का निर्माण करता है।